आगामी 14 फरवरी को योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते आसाराम बापू शिष्य मंडल के द्वारा शहर में जन जागरूकता रैली निकाली गई और संदेश दिया गया कि लोग अपने माता पिता का सम्मान करें और घर घर माता पिता की पूजा होनी चाहिए। इसलिए बड़ी संख्या में योग वेदांत सेवा समिति एवं युवा सेवा समिति के तत्वावधान में शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आसाराम बापू शिष्य मंडल मौजूद रहा। ये रैली परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा प्रेरित मातृपितृ पूजन दिवस को घर घर मनाया जाए, इसके सुप्रचार हेतु ये अभियान रैली अभियान निकाला जा रहा है। किस तरह का संदेश दिया गया, कहाँ से शुरू हुई है और क्या मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? हम सब जानते हैं, अभी पिछले 2-3 दिनों से किसी दिन रोज डे मनाया जा रहा है, किसी दिन चॉकलेट डे मनाया जा रहा है, और भारत की जो भावी पीढ़ी है, जो भावी कर्णधार हैं, वो इस कुचक्र के कुप्रभाव में फंसते जा रहे हैं। परम पूज्य संत श्री बापू आसाराम जी बापू जी ने ये दुष्परिणाम देखते हुए दूर दृष्टि से ये अनुभव किया कि अगर भारत को सुदृढ़ व विकसित देश बनाना है तो भारत के युवाओं को इस कुचक्र से बचाना पड़ेगा, और यही कारण था कि परम पूज्य बापू जी ने मातृ पितृ पूजन दिवस की प्रेरणा दी। कहां से रैली शुरू?